हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। तो आई होप आपने क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा लंबा चैप्टर है, राइट? तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं और ये जेई का एक फेवरेट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, तो आप देख ही रहे होंगे कितने सारे इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, राइट? और होपफुली आप लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे, सब लोग मेहनत कर रहे होंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कोविड के टाइम पे, कि देवताओं के राजा जो इंद्र थे, आपको तो उनकी कहानी मालूम ही होगी, आप लोग भी बच्चे नहीं हो, थोड़े बड़े हो, आइडिया होगा आपको भी। तो इंद्र छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते थे, एकदम गुस्से में आ जाते थे, मैं इसको शाप दे दूँगा, मैं बारिश नहीं कराऊँगा, ये सारी चीज़ें इंद्र करते थे। तो ऐसे ही किसी गांव के किसानों पे इंद्र नाराज़ हो गए। अब उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो बारिश नहीं कराने वाला इस बार। अब सारे किसान परेशान। तो एक और देवता हैं, बड़े भोले हैं, सीधे साधे हैं, शंकर जी, इसलिए उनको भोले भी कहा जाता है। शायद आपको ये नहीं पता होगा भोले क्यों कहा जाता है, वैसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, भोले क्यों कहा जाता है मुझे भी नहीं मालूम है, बट मान लो कि हम उनको भोले शंकर इसलिए बोलते हैं कि बड़े सीधे साधे हैं और बहुत आसानी से बातें मान लेते हैं। तो किसान उनके पास गए और बोले कि प्रभु, हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है और देवताओं के राजा इंद्र जो हैं वो नाराज़ हैं, आप उनको मनाइए। अब इंद्र जी को मनाने के लिए शंकर जी मान गए, वो तुरंत बोला आपको कि वो भोले सीधे साधे हैं, किसानों की जो सिचुएशन थी उनको देखी नहीं गई। वो इंद्र के पास गए और इंद्र को बोला कि भाई किसान काफ़ी परेशान है, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी और सब लोग भूखे मरेंगे, तो आप बारिश करा दीजिए। अब इंद्र तो अपनी बात पे टिके रहेंगे, भाई मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ इंद्र जी। ठीक, तो इंद्र ने मना कर दिया कि प्रभु आप हमारे बीच में ना पड़ो, ये हमारा और किसानों का मामला है, हम निपट लेंगे। तो अब शंकर जी ने भी बोला भाई ठीक है, अब राजा ये कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। शंकर जी वापस चले गए, सारे किसान वापस आ गए और सब ये मान के चले थे अब तो बारिश होने नहीं है। 12 साल तक, 12 साल का स्पैन था कि वो मना किए थे, 12 साल तक कोई बारिश नहीं होने वाली। तो सारे अपने अपने घर में मन महसूस के बैठे थे, सोचते थे क्या करें, कैसे करें, इतने लंबे टाइम तक कैसे रह पाएंगे, अकाल है और सो मैनी उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक किसान था उसमें से जो इन सब चीज़ों को सोचता तो था, बट वो डेली जाता था और अपने खेत में वो डेली खुदाई करता था। डेली जो काम हम प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, फील्ड के प्रोसेस के लिए, फसल उगाने के लिए, तो वो काम करता था, खेतों की जुताई ज़रूर करता था, सारे वीड्स को बाहर निकालना, वो अपना काम कंटिन्यूस करता था। और लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि तुमको जब मालूम है 12 साल तक कुछ नहीं होना है तो तुम क्यों अपनी मेहनत को बेकार कर रहे हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें खेतों की जुताई करने की, जबकि कुछ नहीं होने वाला, बारिश होगी नहीं तो फसल आएगी नहीं। तो किसान हंसता था और चुपचाप सुन के चला जाता था। ये पूरा स्टोरी देख कर पार्वती जी बहुत खुश हो गई, तो उन्होंने शंकर जी को बोला प्रभु बाढ़ में जाए इंद्र जी का शाप, आप बारिश कराओ, मैं इस बंदे पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब पत्नी की तो बात मानना ही पड़ेगा शंकर जी को, ठीक है? तो उन्होंने बारिश कराना शुरू कर दिया। तो अब जब बारिश हुई, आप इस चीज़ को समझना, जब बारिश हुई तो सारे किसान क्या थे, अपने अपने घरों में मस्त थे, उनको तो ये लगता था कि हम 12 साल तक कोई बारिश होने वाली है नहीं यहाँ पर। और जिस बंदे ने इतनी मेहनत की थी, जो बार डेली जाके अपना खेत जो था उसकी खुदाई करता था, वेट्स निकालता था और प्रोसेस में लगा रहता था, लगातार मेहनत कर रहा है, कर रहा है, जो होना होगा वो होगा, बारिश होनी रहेगी होगी, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अब उसका फ़ायदा हो गया कि बारिश पहले हो गई तो उसके फसल पूरे उग गए और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। आप घर पर बैठे हैं, कोविड है, सब लोग परेशान हैं, पता नहीं कब स्कूल खुलेगा, जेई होगा भी नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। इवन आई ऑल्सो डोंट नो, गवर्नमेंट देख ही रहे हो आप कैसे डील कर रही है इन सब चीज़ों के साथ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जो होना रहेगा वो होगा, हमारा क्या काम है, हमारा काम है स्टडी करना, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं किए
तो जेई नहीं निकलेगा। सीधी बात है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर स्टडी नहीं किए तो जेई नहीं होगा। तो आप अपने मेहनत करते रहिए। और एक और चीज़, मैं कितना भी यहाँ से आपको वर्चुअल लेक्चर दे लूँ, चीज़ें समझा दूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अपने एंड से हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी एंड से मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके टेस्ट में। कहीं पे भी थोड़ा भी आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं है तो आप बात करो, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक, एक सर्टेन टाइम पीरियड है, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप जब भी मन करे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उस समय हम अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद मत करना यार अपनी पर्सनल लाइफ में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पे आपकी टेस्टिंग है एक तरह से कह सकते हो। बाद में मैं आपको कैटायन और एनायन की टेस्टिंग भी पढ़ाने वाला हूँ, तो ये समझो कि अभी टेस्टिंग आपकी चल रही है कि आप कितना सेल्फ मोटिवेटेड हो चीज़ों को लेकर। आपको कोई बाहर से कितना भी लेक्चर दे ले हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक, बस आपका टारगेट रहना है जेई करना है। ठीक, चलिए अब लेक्चर की बात करते हैं। लेक्चर मतलब अपने टॉपिक की बात करते हैं, वो लेक्चर हो गया, वो सोचा था कई दिनों से आपके साथ शेयर करूं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में बात किया था। ठीक, तो एक छोटा सा नोट लो, 50 रुपये का नोट ले लो। चलो 50 रुपये का नोट लेके लिखो कि आयनिक कार्बाइड्स आर नॉट काउंटेड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप, साइनाइड्स कार्बाइड्स, देखो यहाँ पे क्या है, आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये सीधे सीधे आयंस में टूटता है, तो आयंस में टूटता है। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कंडीशन क्या थी, मेटल कार्बन बॉन्ड बनना चाहिए। समझ में आया? तो आयनिक वाले को हम कंसीडर नहीं करते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। क्लियर हुआ? तो कल हमने EAN और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में बात किया था। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट EAN ऑफ CR C6H6 होल ट्वाइस, और ये कैसे देगा पाई के साथ। इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन NiCO(X)। जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो EAN का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। EAN क्या था, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। सब सो रहे हो, कुछ भी याद नहीं रहता आप लोगों को। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये भी नहीं मालूम? चलो 24। हाँ सर हैं ही, सर सब कुछ बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो C6H6 पाई C6H6 है क्या ये बेंजीन? बोलो, और पाई डोनर है, लास्ट क्लास में बताया था कि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और है क्या न्यूट्रल। क्लियर, तो न्यूट्रल है तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो CR का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 0। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक बेंजीन, तो 2 बेंजीन कितना करेगा, 2 × 6 आ गया आपका 36।
यहाँ पे देखते हैं, ईएन रूल क्या बोलता था जल्दी रिकॉल करिए। ईएन रूल का स्टेटमेंट क्या था, सेजविक ने क्या कहा था कि अगर कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो क्यों बनाता है कॉम्प्लेक्स, ताकि वो नेक्स्ट नेबरिंग इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन को अटेंड करे। तो ये तो मालूम ही है कि निकल पे कोई चार्ज आने वाला है नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो कोई चार्ज देगा नहीं। ओवरऑल हम मान सकते हैं कि इस कंपाउंड पे जो चार्ज है वो जीरो है। चलिए मान लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाते हैं तो नेक्स्ट नेबरिंग इनर्ट गैस इसका कौन सा होगा, 3D सीरीज है तो कौन सा होगा बताओ आप, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, राइट, क्रिप्टॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 शुड बी इक्वल टू जेड, यही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन बाई लिगेंड्स। तो 36 इक्वल्स टू जेड क्या हो जाएगा आपका, निकल याद करो जल्दी, 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू एक्स। ये क्यों लिखा, कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इंटू एक्स, ये एक्स हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। और आजकल जेई मेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी पूछना शुरू किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन एच एक्स एम एन सी ओ 5। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे अपन, तो आप ये बताओ H जो होता है ये प्लस 1 में आएगा, तो मान लिया यहाँ पे X एटम है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, X इंटू प्लस 1 इक्वल टू प्लस X। अब ये प्लस X क्या होगा, यहाँ पे माइनस X की तरह आएगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब ये आयंस में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा एम एन सी ओ 5 और माइनस एक्स। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, दोबारा से समझो आप, जैसे मान लो मैंने ये लिखा H2SO4, तो जब ये टूटता है अपने आयंस में तो क्या होता है, SO4 माइनस 2 प्लस 2H+। तो यही चीज़ तो मैंने लिखा है कि जितने आपके एटम्स होंगे H के उतने प्लस 1 आएंगे, और यहाँ पे क्या था आपका, 2 एटम्स थे H के, 2 एटम्स H के थे तो 2H+ आया, तो यहाँ माइनस 2 आया। सेम यहाँ पे X एटम थे H के तो यहाँ पे माइनस X आएगा। अब लिखते हैं EAN नेक्स्ट नेबरिंग इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन किसका होगा, 36 इक्वल्स टू ये माइनस एक्स है, ये तो आपका न्यूट्रल है ना, तो एम एन पे चार्ज देख लेते हैं, तो यहाँ मान लीजिए वाई प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू आ गया माइनस एक्स, तो एम एन पे चार्ज कितना आ गया, माइनस एक्स। तो 36 इक्वल टू 25 माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर माइनस एक्स प्लस 5 इंटू 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 1। क्लियर, अब ऐसे भी समझ लो आप, एच एम एन सी ओ 5 रहेगा, हटा दो इसको, एम एन सी ओ 5 मिल गया विथ माइनस साइन, ई एन काउंट कर लो, 36 आ जाएगा। बात समझ में आई, नोट डाउन करो इसको। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग की, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सबर रखो। IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत सिंपल हो जाएगा, टेंशन मत लेना, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस कर लोगे आप
उतना आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। सबसे सिंपल फंडा, पहला फंड, NaCl को आप क्या लिखते हो? NaCl सोडियम क्लोराइड। जब भी भूलना आप इसी पे वापस आना, जब भी भूलना इसी पे वापस आना। मैं क्यों बोल रहा हूँ समझ में? NaCl में क्या है? NaCl में Na प्लस प्लस Cl निगेटिव, ये है केटायन, ये है एनायन। अब आप इसके नोमेनक्लेचर पे जाओ, सोडियम क्लोराइड, केटायन को पहले लिखा गया, एनायन को बाद में लिखा गया। तो पहला रूल, केटायन पहले फिर एनायन, क्लियर हुआ? अब देखो जरा, केटायन पहले एनायन बाद में। अब कितने टाइप ऑफ केटायन हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एग्जांपल्स। पहला देखिए, केफुर एफी सी एन सिक्स, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4K पॉजिटिव प्लस एफी सी एन सिक्स होल निगेटिव। सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। राइट, अब देखो आप, सी यू एन एच थ्री होल फोर एस ओ फोर, तो ये टूटेगा तो क्या देगा आपका? सी यू एन एच थ्री होल फोर प्लस टू और एस ओ फोर टू निगेटिव। तो यहाँ क्या आ गया आपका? कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन। टेंशन मत लेना, डरना मत। अगला देखो आप, पी टी सी एल फोर पी टी एन एच थ्री होल फोर, तो ये टूटेगा तो पी टी एन एच थ्री होल फोर प्लस टू, ये बताऊंगा टेंशन मत लेना, और पी टी सी एल फोर माइनस टू। तो यहाँ क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। वन टू थ्री एंड चौथा देख लेते हैं, एन आई सी ओ फोर। तो इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाम देना है तो पहला रूल क्या बोला? कि केटायन पहले आएगा, एनायन बाद में आएगा। केटायन आएगा पहले, एनायन बाद में। जब भी गड़बड़ हो वापस जाना बेसिक रूल पे। सोडियम क्लोराइड, इसको नोट डाउन करो। सेकंड रूल है, लिगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। सेम ऑर्गेनिक में जैसा पढ़ा है ना आपने, वही चीज़ है। और ऑर्गेनिक से बहुत सिंपल है ये, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। नॉट बाई नंबर दैट इज डाई ट्राई टेट्रा इटीसी बट बाई नेम। अब इसको समझते हैं, तो जैसे मान लो मैंने लिखा सी यू एन एच थ्री टू सी एल फोर माइनस टू, ये लिखा। तो ये जो लिगेंड है, अब ध्यान से देखो, लिगेंड्स आर नेम अल्फाबेटिकली। तो ये जो लिगेंड है इसको बोलते हैं अमीन। डबल एम आएगा, डबल एम आएगा, डबल एम आएगा, याद रखना। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बस यही अंतर किया था। एक में ए एम आई एन नहीं लिखा था, एक में ए डबल एम लिखा था, वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो गए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते भाई, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। यही जेई है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ है अमीन, और ये क्या है? क्लोराइड, क्लोरीडो। बताऊँगा, थोड़ा सब्र करो। ये स्टार्ट होता है ए से, ये स्टार्ट होता है सी से, तो ये पहले आएगा।
क्लियर। अब देखो नॉट बाई नंबर, तो इसका नंबर कितना है, दो है तो इसके आगे लगेगा डाई। इसका नंबर कितना है, चार, फोर ए नंबर, तो इसके आगे लगेगा टेट्रा। तो ये टेट्रा और डाई को हमें अल्फाबेटिकली नहीं लेना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्या बोला दोबारा से समझो, कि लिगेंड्स के जो नेम है उनको अल्फाबेटिकली लेना है, लेकिन जो उसके पहले जो नंबर आता है ना उसको नहीं लेना है। तो अगर इसका नाम मैं लिखूँगा ना, तो ये नाम हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये आएगा डाई अमाइन टेट्राक्लोरीडो और कॉपर यहाँ पे क्या है, एनायन का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो एनायन का जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हम इसको लिखते हैं क्यूपरेट, इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। और आयन, टेंशन नहीं लेना अभी इसके बारे में, नहीं बस इतना समझाना था आपको, आगे नहीं समझाना है, अभी आगे देखते हैं। पहला पॉइंट पहले केटायन फिर एनायन, दूसरा पॉइंट अल्फाबेटिकली लिगेंड्स का नाम लिखना है, तीसरा पॉइंट नेमिंग ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेमिंग लिख रहे हैं हम, तो अगर लास्ट में आइट आता है तो ये हो जाता है आई टू, राइट, जैसे सल्फाइट, तो इसको लिखेंगे सल्फाइटो। अगर लास्ट में एट आता है इसको लिखेंगे एटो, जैसे सल्फेट, तो इसको लिखेंगे सल्फेटो। अगर लास्ट में आइड आता है तो इसको लिखेंगे आइडो, आइडो, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीडो, ब्रोमीडो, आयोडाइडो। साइनाइड को हम साइनो भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे ध्यान दोगे आप तो ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स है, ये नेगेटिव लिगेंड्स थे। अब न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें तो जैसा नाम है वैसा ही लिखते हैं। अब यहाँ पे चार लिगेंड्स हैं जिनका नाम जनरल नेम हम अलग लिखते हैं, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनका नाम लिखते हैं तो थोड़ा अलग रहता है। जैसे H2O, ये होता है एक्वा, जनरल नेम होता है वाटर। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसको कार्बोनिल लिखते हैं, कार्बोनिल, ये होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है NH3, तो हम इसको लिखते हैं अमीन, NH3 अमीन, डबल M आता है, ये ध्यान देना, ये आपको मिलेगा NH3 के फॉर्म में मिल सकता है, फॉर्म में मिल सकता है। एक और ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3NH2। अब ये सिंगल था तो डबल M लगाया, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल था तो यहाँ हमने डबल M लगाया, यहाँ सिंगल नहीं है, NH3 नहीं है, इसके साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइल अमीन। यहाँ मैंने डबल एम नहीं लिखा, ध्यान दे, दोबारा से समझो और इसको याद रखो। नाइट्रिक एसिड NO, तो ये जनरल नेम होता है नाइट्रिक एसिड, लेकिन हम इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रल लिगेंड हो गया और ये आपका हो गया नेगेटिव लिगेंड्स।
तीसरा मैं लेता हूँ पॉजिटिव लिगेंड्स, जो कि बहुत कम मिलते हैं। आप बताइए पॉजिटिव लिगेंड्स कम क्यों मिलते हैं, ये आप बताओ, सोचो थोड़ा सा सोचो। तो सोचो अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर देना। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी तो घट गई ना, तो इसलिए पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत कम मिलते हैं। एनओ प्लस, नाइट्रोसोनियम, एनएच टू, एनएच थ्री पॉजिटिव, यह आपका होगा हाइड्रोजीनियम, एसिटिल एसोटेनेट, लास्ट में एट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिल एसीटोनेटो। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये होता है स्ट्रक्चर आपको समझते हैं कैसे। ये वो है, ये वो आप देखना चाह रहे हैं, आप ये यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, ये यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज है, तो कई जगह पे आपको ऐसा भी मिल सकता है नेगेटिव चार्ज में और डीलोकलाइज। तो ये होता है एसिटिल एसिटोनेटो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, एसिटिल ग्रुप बनाइए। और एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, एसिटिल ग्रुप क्या होता है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, निगेटिव यहाँ से आता है एसिटिल ग्रुप का या एसिल ग्रुप का, इसके पहले ही मैं बता चुका था। और ये एसिटेट होता है, ये एसिटेट होता है, और ये एसिटिल ग्रुप होता है। यही क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं बता रहा हूँ जेई ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछती है जहाँ बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा भी अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो जेई वहीं से क्वेश्चन बनाती है। प्रोफेसर जो होते हैं ना आईआईटी वाले बड़े खतरनाक होते हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखना जरूरी है। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, पहला क्या था कैटायन फिर एनायन, दूसरा क्या बोला मैंने लिगेंड्स उनका अल्फाबेटिकल नेम है, तीसरा लिगेंड्स का नॉमिनक्लेचर है, चौथा जो पॉइंट है वो है कि अगर लिगेंड्स में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ये सारी चीजें पहले से प्रेजेंट हो फिर कैसे नॉमिनक्लेचर करेंगे। एज यूजुअल जैसा अपना ऑर्गेनिक में चलता है, बेस ट्रीस टेट्रा केस पेंटा केस, जैसे देखो CH2 NH2 अपना फेवरेट लिगेंड, नाम बताओ इन बोलते हैं ना, इथाइलिन डाइअमीन। अब देखो इसमें क्या है, इथाइलिन डाइअमीन है, इथाइलिन डाइअमीन है। देखो यहाँ पे मैंने डबल एम नहीं लिखा है, ये ध्यान है, इथाइलिन डाइअमीन है। तो जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे जैसे CuEn होल ट्वाइस प्लस टू, तो इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप देखो दो है तो लिखेंगे 20 EN या इथाइलिन डाइअमीन, इथेन 1-2 डाई अमाइन ये भी लिख सकते हो आप, 20 EN और कॉपर, बताऊंगा मैं आपको। फिर यहाँ पे 20 लगाया क्योंकि डाई अंदर में लिखा हुआ है, समझ में बात आई क्या, इसको नोट डाउन करिए। एक और पॉइंट देखिए, लिखना ऑक्सलेट रहे या थायोसल्फेट रहे तो उसके आगे भी हम 20-30 ये सारे यूज करते हैं, 20-30 टेट्राकिस पेंटाकिस ऑक्सलेट या थायोसल्फेट के लिए। पांचवा पॉइंट, फॉर ऑक्सलेट या थायोसल्फेट 20-30 आर यूनिट। अगला पॉइंट है डोनर एटम
इज यूज टू रिप्रेजेंट द लिगैंड इन एम्बेडेड लिगैंड। इसको समझते हैं, क्या बोला भाई? डोनर एटम को हम यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर ये सीएन निगेटिव है तो हमने क्या बोला था इसको, साइनो या साइनेडो, तो हम इसको लिखेंगे साइनो सी, अगर ये सी से दे रहा है, राइट। अगर ओ एन ओ है तो हम लिखेंगे नाइट्राइटो ओ, अगर एन से दे रहा है तो हम लिखेंगे नाइट्राइटो एन। क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा अच्छे से फील आएगा। अभी फिलहाल कुछ कुछ रूल से उसको लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। लिखो इसको भी, लास्ट पॉइंट नॉमिनक्लेचर ऑफ नेमिंग ऑफ मेटल। मेटल कैसे लिखेंगे, मेटल का नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात इसके अंदर से पॉइंट, इफ मेटल इज प्रेजेंट इन निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझो आप जरा इसको, के फोर एफिशिएंसी, तो यहां पे क्या है, यहां जो एफी है वो निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, इस पर निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, जो मेटल है उसका लैटिन नेम लिखते हैं। क्या बोला, मेटल है उसका लैटिन नेम लिखते हैं, मेटल है उसका लैटिन नेम लिखते हैं, और लैटिन नेम के साथ साथ लास्ट में एट लगाते हैं। ध्यान दे, जब मैंने निगेटिव लिगेंड्स के बारे में बात की तब भी यही बोला था, एट लगाते हैं लास्ट में। तो आप समझो क्या बोला मैंने, अगर ये मेटल निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो इसका लैटिन नेम लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, लास्ट में एट। तो इसका नाम अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, केटायन, तो पोटेशियम। टेट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनिडो, अभी कुछ बताया नहीं किधर से दिया हुआ है, सी से दिया है या एन से, छोड़ दो। और लैटिन नेम फेरस, फेरम होते हैं, तो ये हो जाएगा फेरेट और चार्ज। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है? दो तीन मेटल हैं जिनका ऐसा नाम नहीं होता, उनका हम इंग्लिश नेम यूज करते हैं। एच जी हो गया, एस बी हो गया और डब्ल्यू हो गया। लैटिन नेम इसका क्या है बताओ भाई, लैटिन नेम है इसका हाइड्रोजेरम, याद भी नहीं होगा। एच जी वो चल रहा है, एस बी स्टेबियम, डब्ल्यू का वुल्फ्राम। लेकिन इसको हम यूज करते हैं मरकरी, इसका इंग्लिश नेम यूज करते हैं मरकरी। तो मरकरी अगर यूज करेंगे और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में करेंगे तो हो जाएगा मर्क्यूरेट। ये क्या है आपका, एंटीमनी, ये हो जाएगा एंटीमोनेट, और ये हो जाएगा टंगस्टेट। बाकी सबका सेम चलेगा। जैसे देखो आप GnH3 टू Cl2, इसका नाम इंक्लेचर करेंगे तो ये पहले आएगा, तो डाई और एक और बात, जो पहला लेटर लिखते हैं वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। क्या हो जाएगा, डाई अमीन, डाई अमीन देख रहे हो आप, डबल एम आर है, डाई क्लोरिडो, क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरिडो अर्जेंटेट।
ऑक्सीडेशन नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर रोमन वर्ड्स में लिखते हैं। दोबारा से समझो, ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिखते हैं। लेटेस्ट बातें थोड़ी बदली हैं, लेटेस्ट टाइम पे हम इसको अरेबिक में भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी तक जेई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये ना समझो कि हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है। आपके बैच के साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं होगा, आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम होगा डाई अमीन डाई क्लोरिडो अर्जेंटेट, क्लियर, इसको लिखो आप। नेक्स्ट है, इफ मेटल इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा फिर क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CnH3O4 और SO4, क्लियर। तो अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, समझना आप। ये तो एनायन हो गया, ये केटायन हो गया, यहां तक बात समझ में आ रही है। ये एनायन है और ये केटायन है। केटायन पहले लिखते हैं टेट्रा अमीन। अब जब भी हमारा मेटल पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा तो उसका कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम क्या होगा, कॉपर। आयरन है तो आयरन लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर लिखेंगे, गोल्ड है तो गोल्ड लिखेंगे। जब भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा तो टेट्रा अमीन कॉपर ब्रैकेट में इसका चार्ज रोमन में, चार्ज रोमन में, चार्ज रोमन में, इसको नोट करके लिख भी लेना। इसके बाद से समझो, इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चंस करते हैं, इसका नाम ट्राई करो आप जल्दी जल्दी। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको, केटायन और एनायन में समझ में आना चाहिए कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, Cl3 है, अगर ये टूटेगा तो ये 3Cl नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ 3 पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या हो गया, +3। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है हमारा केटायन है और ये एनायन है। तो केटायन को पहले लिखते हैं, और ये जो हमारा लिगेंड है वो ईएन है, इथाइलिन डायमीन। तो डाई अंदर आ रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्रिस। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथाइलिन डायमीन, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा ट्रिस, इथाइलिन डायमीन, कॉमन नेम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसके बाद अपना एनायन लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ एनायन लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे सीधे लिखो दो राइट। इसमें भी सेम आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सल्फेट माइनस लेके जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और एक माइनस यहां से तो चार्ज क्या जाएगा, तो चार्ज अपना Fe पे कितना आ जाएगा, +3। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूं, ये -2 देके जाएगा तो यहां +2 आया, और एक्स -1, यहां से देखो एक्स -1 = +2, ये -1 है NO2 का, तो ये क्या आ गया आपका, +3 आ गया, क्लियर। चलिए तो यहां से ये भी पता चला कि ये अपना फिर से केटायन बना, लिखते हैं पेंटा अमीन, डबल एम आएगा भाई, गैप नहीं रहना चाहिए, नाइट्राइटो और ओ एन कुछ दिया नहीं है, ओ एन कुछ दिया नहीं है तो छोड़ देते हैं, नाइट्राइटो आयरन थर्ड और सल्फेट। ये देखते हैं, ये फिर से क्या हुआ आपका, नेगेटिव है नाइट्रेट और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस पे +1 चार्ज आ गया, ये -1 देके जाएगा बाहर तो इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा डाई अमीन, और ये केटायन है तो Ag का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सिल्वर, चार्ज +1 और नाइट्रेट।
नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये नेगेटिव देखे जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और माइनस दो यहाँ से है तो ओवरऑल प्लस थ्री चार्ज आएगा। इस पर लिखेंगे क्या, एक्वा राइट, पहले आएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, एक्वा एंड क्लोरीडो, तो ये पहले आ रहा है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरीडो या डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड और हाइड्रेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी लिखते हैं, अगर दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो डाइहाइड्रेट। ये देखते हैं K2HGl4, K2 अपना कैटायन बनेगा तो लिख लो सीधे पोटेशियम, इस पर माइनस दो का चार्ज आया एनायन बन गया और यहाँ से माइनस चार्ज है तो ओवरऑल इस पर प्लस टू का चार्ज आया। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एक बार ये टूटेगा तो 2K+ में जाएगा प्लस HGl4 2 नेगेटिव में आया तो ओवरऑल इसमें माइनस टू का चार्ज आया तो मैं लिखता हूँ एच जी को एक्स प्लस माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू माइनस आएगा तो यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस टू आ गया। ये चीजें आनी चाहिए आपको, पोटेशियम ये तो हमने लिख दिया अपना कैटायन, अब एनायन लिखना शुरू करते हैं। टेट्रा गैप नहीं हुआ ये, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो सारे स्मॉल में लिखेंगे, पहला लेटर बस कैपिटल होता है, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो और ये क्या हो जाएगा मर्क्यूरेट। ये नॉन क्लेचर हो जाएगा, इसको लिखो समझो दोबारा से प्रैक्टिस करो आप। अब इस इनका नॉन क्लेचर देखो थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो सबसे बेसिक है मैंने आपको बताया था कि पहले हम कैटायन और एनायन ढूंढते हैं, यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है दोनों के दोनों न्यूट्रल है तो पहला एकदम सिंपल फंडा है न्यूट्रल ही रखना, अगर हम चार्ज डिवाइड भी कर रहे हैं ना तो समेशन जीरो आना चाहिए, मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखना है। अब आप देखो यहाँ पे Cn6 है मतलब माइनस छः का चार्ज आ गया, अब यहाँ पे जीरो है तो माइनस छः को हमें बांटना है दो पार्ट में। अब सोचो अगर मैं मान लो इसको एनायन बनाता हूँ माइनस थ्री, अगर इसको एनायन बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ कोबाल्ट का एक्स प्लस अमोनिया का जीरो इंटू सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना गया माइनस थ्री क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ उल्टा करता हूँ इसको कैटायन बनाता हूँ तो यहाँ पे प्लस थ्री आ जाएगा कोबाल्ट प्लस थ्री, तो अगर मैंने इसको प्लस थ्री बनाया तो इसको माइनस थ्री बनाऊंगा मैं, क्यों बना रहा हूँ इसका रीजन है। देखो अगर माइनस थ्री मान लो मैंने इसको बना दिया तो देखो क्या होगा, क्रोमियम एक्स प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, क्रोमियम भी क्या आ गया आपका प्लस थ्री पे। ये बात समझ में आई क्या, मैंने क्या किया कि मुझे सबसे पहला कैटायन और एनायन बनाना है तो ये डिसाइड होता है कि टोटल चार्ज कितना नेगेटिव लिगेंड का है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं और हाफ हाफ बांट देंगे, ये बेसिक तरीका होता है। जिसमें आपका नेगेटिव आया उसको नेगेटिव देते हैं, जिसमें नेगेटिव लिगेंड है उसको नेगेटिव दे दो, दूसरे वाले को पॉजिटिव दे दो, चार्ज ज़्यादा आधा बांट लो। यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हो, यहाँ Cl4 है, Cl4 है ना तो इसका आधा करो तो दो, तो प्लस टू माइनस टू का चार्ज आएगा और ओवरऑल देखो जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है दोनों का दोनों मिला के अगर समेशन करते हैं तो जीरो आता है प्लस थ्री और माइनस थ्री। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो आप, माइनस फोर है Cl माइनस फोर, ये माइनस वाले को यहाँ माइनस दे दो, माइनस दिया तो इस पर क्या आ गया प्लस टू का चार्ज आ गया ना, बोलो यहाँ माइनस टू दिया तो यहाँ माइनस टू दे दो तो इस पर भी प्लस टू का चार्ज आ गया। बेसिक फंडा है, ये याद रखना कि मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन में ही जाता है, इसका रीजन क्या है तभी तो वो लिगेंड से लोन पेयर ले पाएगा, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन में जाता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसके अनुसार आप चेक कर सकते हो। बात क्लियर हुई तो देखो आप हमें मिल गया कैटायन फिर एनायन, तो कैटायन का नाम ऐसे ही लिखेंगे हेक्सा अमीन डबल एम आएगा
और कैटायन के नाम में हम कॉमन नेम लिखते थे कोबाल्ट 3। अब क्या कर सकते हैं, हम एनायन लिख देते हैं, तो हेक्सा साइनो या साइनिडो, और ये एनायन है लैटिन नेम क्रोमेट, एट लगेगा लास्ट में और चार्ज। समझ में आया, बाकी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी देख लेते हैं, -2 चार्ज यहाँ पे क्यों आया क्लियर होना चाहिए, +2 यहाँ पे क्यों आया क्लियर होना चाहिए, तो केटायन और एनायन पर आने आना चाहिए आपको। अब देखो जरा, पहले हम क्या करेंगे, केटायन को लिखेंगे टेट्रा अमीन प्लैटिनम, कॉमन नेम हो गया, चार्ज हो गया। अब एनायन को लिखेंगे टेट्रा, ये सारे स्मॉल रहेंगे, पहला बस कैपिटल होता है, गैप भी नहीं जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट। ठीक है, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा सा अलग है, चाहो तो इसका हेडिंग दे सकते हो नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कंपाउंड्स, ब्रिजिंग या पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, क्योंकि ये यहाँ ओ एस से जुड़ा है, यहाँ से ओ एस से, यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसमें एक चीज आपको जानना है, जब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ब्रिज को शो करने के लिए हम म्यू नोटेशन यूज करते हैं, म्यू नोटेशन। अगर म्यू है तो 2 के बीच में जुड़ा हुआ है, μ3 है तो 3 के बीच में जुड़ा है, μ4 है तो 4 के बीच में जुड़ा है, ऐसे लिखते हैं, नोटेशन शो करते हैं। सबसे पहला काम चार्ज पता करते हैं, तो ये देखो OH हाइड्रोक्सीडो, OH हाइड्रोक्सीडो, तो -1 -1, तो मैं लिख रहा हूँ, और सेम ही है, Fe इधर भी है, Fe इधर भी है, तो मैं लिखता हूँ 2 × x, 2 है ना, -2 = +4, x = +3 आ गया, तो दोनों को आप +3 दे दो, क्लियर हो गया। अब नॉमेनक्लेचर देखना, मैं कैसे लिख रहा हूं, एक से अच्छे लिखना शुरू करते हैं, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू, लेकिन म्यू से पहले हमें क्या करना है, 2 जगह से जुड़ा है, दोनों OH है, तो डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो आगे बढ़ते हैं, टेट्रा आयरन 3, आयन लिख सकते हो नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और तरीके से लिख सकते हो, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, 2 से जुड़ा है, हमने इतने का नाम लिख लिया, आगे क्या लिख सकते हैं, 20 के अंदर टेट्रा एक्वा आयरन 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, ये हो गया, उसके बाद 20 टेट्रा एक्वा आयरन 3, क्लियर। एक और तरीके से लिख सकते हैं, डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, सेम ही है। अब यहां पे क्या है, टोटल एक्वा कितने हैं, 8 एक्वा है, तो लिखो आप टा एक्वा एंड डाई आयरन 3 आयरन। एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर आप बीच से काटो तो ये मिरर इमेज ही है, एक को लिखो उसके आगे 20 लगा दो, 20
म्यू हाइड्रोक्सीडो टेट्रा आयरन थर्ड। अब देखो बीच मतलब दो बार म्यू हाइड्रोक्सीडो, दो बार हाइड्रोक्सीडो के साथ वो ब्रिजिंग में टेट्रा एक्वा दो बार आएगा, टेट्रा एक्वा एंड आयरन थर्ड दोनों बार आएगा। मतलब ये लास्ट वाला जो है ना ये तब यूज करना जब आपका मिरर इमेज होगा, बाकी चीजें आपको क्लियर होगी। फिर से समझो आप, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है या पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, तो और इसकी ब्रिजिंग की जाती है। तो ब्रिजिंग को शो करने के लिए हमने म्यू दिखाया। अब म्यू दिखाया तो एक तरफ से लिखना, फिर से शुरू करो सेम वही फॉर्मूला, चार्ज पता कर ही लिया दोनों पे कितना कितना है, दोनों को इक्वल बांट दो, H2O टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड प्लस थ्री चार्ज है, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो केटायन बनाइए, तो कॉमन नेम यूज करेंगे, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड म्यू हाइड्रोक्सीडो एक हुआ तो हम क्या लिखेंगे डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, तो दो हो जाएंगे डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो राइट। इसके बाद से फिर से टेट्रा एक्वा और आयरन थर्ड, ये कंपाउंड है इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, राइट आईयूपीएसी ऑफ जिस सॉल्ट, फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, कितने बार पूछ चुका हूँ मैं आपसे जिस सॉल्ट क्या होगा, अभी तो याद कर लिए होगे भाई, केपीटी सीएल थ्री सी टू एच फोर ठीक है। और ये पाई के थ्रू देते हैं, सबसे पहले क्या लिखे लिखे गए सोडियम, और ये क्या है क्लोराइड, और ये क्या है इथाइलिन, और पाई से दे रहा है तो म्यू ईटा इन सब को हम अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करते हैं, ये याद रखना नॉट काउंट अल्फाबेटिकली। और पिछले क्लास में बताया था मैं आपको कि जब भी पाई बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग हो रही है तो हम क्या करते हैं ईटा से शो करते हैं उसको, और कितने कार्बन्स के बीच में कंजुगेशन हो रहा है उसको यहाँ पे पावर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम ट्राइक्लोरीडो ईटा टू इथाइलिन या इथिन लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनेगा, बोलो भाई नेगेटिव बनेगा, और इस पर चार्ज कितना आएगा प्लस टू, सारा चीज बता चुका हूँ आपको कुछ नया नहीं है, तो फिर आ जाएगा प्लैटिनेट। नोटडाउन करो आप इसको, राइट आईयूपीएसी ऑफ फेरोसिन फेरोसिन का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या बताया था मैंने ठीक सी फाइव एच फाइव होल्ड ट्वाइस पाई से रहते हैं, एफ पे चार्ज कितना था प्लस टू था, बोलो भाई प्लस टू चार्ज था ना ठीक, याद है कि नहीं याद है, एफ पे चार्ज कितना था प्लस टू था ना, लेकिन ये जो अपना कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल होता है, तो अगर मैं लिखता हूँ एफ का चार्ज x प्लस माइनस ऑफ वन इंटू टू इक्वल टू जीरो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस टू, एफ पे प्लस टू चार्ज, लिखना शुरू करिए आप। ईटा और पांच के बीच में कंजुगेशन है, बीस ईटा साइक्लो कल बताया था पेंटा डाई इनाइल, बीस ईटा फाइव साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयरन
क्लियर। ये देखिए इस पर भी, ये भी क्या है अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये तो बहुत आसान है। देखिए 20 ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम 0। देखिए इसको अगला क्वेश्चन राइट आईयूपीएसी ऑफ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। CO CO8 और स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर कराने की। स्ट्रक्चर याद ही होगा आपको, ये सीओ है, कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। ब्रिजिंग कंपाउंड है, लिखना शुरू करते हैं एक तरफ से, क्या हो जाएगा अपना ट्राई कार्बोनिल, नहीं नहीं इसके पहले हम क्या करते थे चार्ज पता करते थे, तो ये है क्या न्यूट्रल ही तो है, तो चार्ज 0 होगा कोबाल्ट पे। ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0, इसके बाद ब्रिजिंग करना है हमें, क्या लिखेंगे म्यू, दो बार है तो डाई लगा लो पहले, डाई म्यू कार्बोनिल और फिर से ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0। अब उल्टा देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, हमारे पास कोऑर्डिनेशन का फॉर्म था और हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया था। अब नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना बहुत इजी है, कुछ तक नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं आयरन, तो ये अपना सेंट्रल मेटल हो गया। आयरन नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम कब आएगा जब मेटल जो होगा केटायन में रहेगा, ये क्लियर हुआ। सल्फेट, तो ये अपना एनायन बना लेगा, सल्फेट को बाहर कर दीजिए, एफ आ गया। और ट्रिस इथाइलिन डायमिन, ठीक है भाई ये तो इजी है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं अमोनियम हेक्साक्लोरिडो लैटिनेट, इसका मतलब ये हो गया अमोनियम अपना केटायन बनेगा, लिख लो भाई आप। और प्लेटिनेट प्लस 4 पे है, तो यहाँ पे देखो आप 6 -6 है, तो यहाँ तो +2 चार्ज आना चाहिए, ये डबल होगा, ऐसा समझ में आया क्या? फिर से समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये -6 है और यहाँ पे हमें टोटल प्लेटिनम पे चार्ज कितना देना है +4 ना, तो यहाँ पे अगर +4 देना है और यहाँ है -6, तो ओवरऑल चार्ज -2 आएगा, और ये -2 को बैलेंस करना पड़ेगा ना, अमोनियम को डबल करना पड़ेगा ना -2 को बैलेंस करने के लिए। अगला देखो प्लेटिनेट प्लेटिनम, मतलब दो कॉम्प्लेक्स आएंगे इसके अंदर, हेक्सामिन प्लेटिनम NH3 4 6 PT, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, ये अपना एनायन बनाएगा, ये कैटायन बना लेगा, Cl4 प्लेटिनेट PT। एक चीज बताऊंगा, एक चीज बता रहा हूँ आपको कि जब भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहे हैं, ये चीज ध्यान देना, बहुत ईजी है ये, बाकी कर सकते हो आप आसानी से, इनको करो आप ट्राई करो। तो मोस्टली लोग गलत करेंगे, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2H+ PtCl6 -2 आएगा। तो ये जो कंपाउंड है ध्यान से देखिए आप, तो ये H+ दे रहा है, तो इसको एसिड बोल सकते हैं ना, तो ये एसिड होता है, जहां पे आपका केटायन H आएगा वो एसिड होगा, तो इसका नाम होगा हेक्साक्लोरिडो या हेक्साक्लोरो प्लैटिनिक, ध्यान देना प्लैटिनिक एक एसिड होता है, एसिड
ये हो जाएगा। इसी तरह इसका नाम हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरो ऑरिक एसिड। इस तरीके से आपका नॉमिनक्लेचर खत्म हो रहा है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है उतना करेंगे। तो आई होप आप सारी चीजें को समझे होंगे, अच्छे से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट सारे लगभग कवर कर दिया हूं मैं। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपका काम है और डाउट्स पूछना आपका काम है। अपना एंड भी बहुत अच्छे से करो। तो थैंक्स।